हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डे 35 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं फॉर दिसंबर 2019। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिजनेस स्ट्रेटेजिक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड काय स्क्वेयर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको कुछ इवेंट्स, एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड ऑब्जर्व वैल्यूज गिवन है और आपको यहाँ पे काई स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आपकी काई स्क्वायर वैल्यू है ये हमेशा क्वालिटेटिव डेटा पे यूज की जाती है। नाउ काई स्क्वायर का आपका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसका आप सिग्मा कर देंगे तो आपका यहाँ पे काई स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है 52 और एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपके पास 60, और इसको आप एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करेंगे दैट इज 60 और इसका स्क्वायर कर देंगे। सेकंड में आपको क्या करना है, 48 दैट इज योर ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू है आपकी 40 अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज 40, इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे। सो और इन दोनों को ऐड करके आपका क्या आ जाएगा, का स्क्वायर वैल्यू। सो देखिए सबसे पहले कि हम देखें तो 52 माइनस 60 कितना होता है, 8, 8 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 बाई 60 प्लस आपको सेकंड वैल्यू को करना है दैट इज 48 माइनस 40, तो ये भी होगा आपका 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 64 बाई 40। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 32, ये आपका हो गया 30, फिर ये 15 और ये हो गया आपका 16। ओके यहाँ पे आपका हो जाएगा 32 बाई 20 अगेन 10 बाई 16। तो अगर आप देखें तो 16 बाई 15 प्लस 16 बाई 10, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए 16 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं तो 1.067 प्लस 16 को 10 से करेंगे तो 1.6, दैट इज 2.67 आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है दैट ऑप्शन नंबर ए। ओके सो यहाँ पे आपको बस काई स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला याद रखना है सो दैट आप इसको इजिली कैलकुलेट कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ डेटा कलेक्टेड एट। तो बेसिकली टाइम सीरीज में जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं वो किस टाइप का डेटा होता है, उसमें इंटरवल क्या होता है। तो यहाँ पे जब भी आप टाइम सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है ये रेगुलर इंटरवल्स पे किया जाता है। रेगुलर इंटरवल्स का क्या मतलब है, देखिए जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ओके ये हमेशा इक्वल इंटरवल में कलेक्ट किया जाता है। इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी का डेटा कलेक्ट किया, आपने मान लीजिए 2016 का डेटा कलेक्ट किया, नेक्स्ट डेटा आपने 2017 में कलेक्ट किया और उसका नेक्स्ट डेटा आपने 2018 में कलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो सिमिलर है, दैट इज वन ईयर का टाइम इंटरवल है। ओके तो जब भी जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल होता है तो यहाँ पे आप उसे कह सकते हैं कि दैट इज अ टाइम सीरीज डेटा। ओके अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की तो देखिए अगर हम रैंडम इंटरवल्स की बात करें तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो रैंडम होता है, दैट इज आपने किसी भी ईयर के किसी स्पेसिफिक मंथ में आपने डेटा कलेक्ट किया और आपने सेकेंड ईयर के किसी भी अदर मंथ के अंदर आपने डेटा कलेक्ट किया, दैट इज जो टाइम डिस्टेंस है दोनों डेटा के कलेक्शन का वो अलग है। कन्वीनियंट इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे जो भी पर्सन उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है वो अपनी कन्वीनियंस पे उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डेटा है वो रेगुलर इंटरवल्स पे कलेक्ट नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। गिवन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको गिवन है 0.8 और रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स भी गिवन है आपको 0.8। तो देखिए अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, दैट इज जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको आर स्क्वायर से शो किया जाता है और ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। पहला रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका हो जाएगा बी एक्स वाई एंड सेकेंड हो जाएगा आपका बी वाई एक्स। ओके तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए आपको आर स्क्वायर कितना गिवन है 0.8 इक्वल्स टू अंडर रूट आप कर सकते हैं बी एक्स वाई आप ले लीजिए 0.8 जो आपको गिवन है वैल्यू, और यहाँ पे देखिए सेकेंड वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो इसको आप एक्स ले सकते हैं। नाउ अंडर रूट को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 0.64 इक्वल्स टू 0.8 इंटू एक्स, तो आप यहाँ पे इसको ले जाकर डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे आपके सेकेंड रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.8, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, विच काइंड ऑफ टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज द राइट टेस्ट टू यूज व्हेन हाइपोथेसिस फॉर द टेस्टिंग आर स्टेटेड एज। तो यहाँ पे आपको दो
हाइपोथेसिस गिवन है, दैट इज नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और यहाँ पे आपको ये पता करना है कि वन टेल टेस्ट है कि टू टेल टेस्ट है। सो देखिए, अगर हम बात करें वन टेल टेस्ट की, तो हमेशा वन टेल टेस्ट के अंदर आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन गिवन होती है। दैट इज, अगर आपको किसी भी डायरेक्शन की बात की गई है, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया है मोर देन आपको पता करना है, लेस देन, तो इन सब केसेस में ये वन टेल की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें नॉर्मल कर्व की, तो नॉर्मल कर्व के अंदर अगर आपको यहाँ पे 0.95 कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है, तो इससे आगे की वैल्यू जो होगी आपकी मोर देन वैल्यू होगी, और इससे पीछे की वैल्यू आपकी लेस देन वैल्यू होगी। तो ये वन टेल की बात करता है। बट अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे मोर देन और लेस देन नहीं गिवन है, तो यहाँ पे ये टू टेल टेस्ट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है पॉपुलेशन इज इक्वल टू द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल टू द सैंपल मीन। तो यहाँ पे आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, तो ये है टू टेल टेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ सैम्पलिंग विच रिक्वायर्स द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन टू बी प्लेस्ड ऑन पर्टिकुलर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जब भी पॉपुलेशन के डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, तो वो किस टाइप की सैम्पलिंग होती है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो देखिए, अगर कभी भी हम पॉपुलेशन के डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर या किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखते हैं, तो ये होती है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखिए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जो भी आपका पॉपुलेशन डेटा है या सैम्पल डेटा है, आप इसको पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी डेटा कलेक्ट किया, उसके डेटा को आपने 1 to 100 तक रखा, नाउ सेकेंड 100 to 200, अगेन 200 to 300, और यहाँ पे आप मान लीजिए 1 to 100 में आपने 32 नंबर को सिलेक्ट किया, तो आप 100 से 200 में 132 को सिलेक्ट करेंगे और 200 से 300 में 232 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप के सैम्पलिंग को बोला जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ फर्दर क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।